तो अभी यहाँ पे मुझे पॉलिटेक्निक के बच्चे मिले थे, तो आप लोग कौन कौन सी ईयर के हो? तो ये है मैकेनिकल डिपार्टमेंट का फ्रंट साइड, यहीं कहीं पापा पढ़ते होंगे, यहीं कहीं पापा घूमते होंगे। तो अभी मैं फटाफट रेडी हो चुका हूँ, नहा धो के एकदम शूट रेडी, और मैं आपको रूम दिखाता हूँ अपना। जितने भी मैंने यहाँ श्रीकोट में कमरे देखे ना, किसी में मजा नहीं आया, ये वाला कमरा बढ़िया था और साथ ही साथ वॉशरूम भी अच्छा है। तो आज आपको कराते हैं हम श्रीनगर के दर्शन। ये होटल है पैसिफिक होटल, तो अगर कोई भी आता है श्रीकोट तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यहीं रुके। तो अभी हम गंगा दर्शन पहुंच चुके हैं, तो मैंने सोचा सबसे पहले स्टार्टिंग गंगा दर्शन से करते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा श्रीनगर दिखता है, और फिर यहाँ से धीरे धीरे बढ़ेंगे, मार्केट जाएंगे, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। तो यहाँ पे मंदिर भी है, श्री राधा कृष्ण मंदिर गंगा दर्शन स्थली, और सामने ही यहाँ पे पार्क भी है बैठने के लिए। अच्छा सॉरी, ये पार्क नहीं है, ये तो जिम है, ओपन जिम, क्या बात है, वाव, बेसिक फिटनेस के लिए बढ़िया ये। क्या बढ़िया व्यू है, मजा आ गया देख के, पूरा का पूरा श्रीनगर दिख रहा है, मतलब देखने लायक है। और एक चीज और है, अभी जैसे हम आए दो कपल बैठे हुए थे यहाँ पे, बेचारा हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया हमने, चले गए फिर वो यहाँ से। और यहाँ पे ये मंदिर है हमारा, अच्छा वहाँ पे भी बैठे कोई, मंदिर के सामने नहीं बैठना चाहिए, यहाँ देखो बढ़िया चेयर लगा रखी है, यहाँ बैठते। तो आज बादल नहीं है, तो टाइम लैप्स लेने में मज़ा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं है कुछ, तो इसलिए अब निकल रहे हैं हम शहर की तरफ। अब देखते हैं जो पापा ने बताया था पॉलिटेक्निक कॉलेज, वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे अभी ये NIT आ चुका है, ये पूरा का पूरा अंदर कॉलेज है NIT, इसके आगे ITI कॉलेज भी है और फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तो जब पॉलिटेक्निक कॉलेज आएगा तब मैं बाहर उतर के पूरा दिखाता हूँ, और देखते हैं अंदर जा पाते कि नहीं जा पाते। यहाँ पे पहले पुराना ITI कॉलेज था, और जब 2013 में आपदा आई थी पानी पूरा का पूरा यहाँ तक आ गया था, तो सारा टूट गया था कॉलेज, फिर उसके बाद यहाँ से शिफ्ट हो गया, ITI कॉलेज आगे चला गया था। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंच चुका हूं, ये पीछा देख रहा हूं कॉलेज, और अभी चलते हैं अंदर, मैंने बात करी थी तो जा सकते हैं अंदर, एंट्री मिल सकती है, पता नहीं काफी एक्साइटमेंट लग रहा है मुझे अंदर जाने का। तो यहां पे किसी बच्चे को पकड़ता हूं मैं, उससे पूछता हूं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है यहां पर, कहां कहां पे क्या क्या चीजें हैं। तो अभी यहां पे मुझे पॉलिटेक्निक के बच्चे मिले थे, तो आप लोग कौन कौन से ईयर के हो? सर हम डी फार्मा फाइनल ईयर के हैं। दो साल का होता है ना? हाँ जी सर, दो साल का होता है। अच्छा, तो एक बार मुझे बताते हैं यहाँ पे कौन कौन से, मतलब ब्रांच कहाँ कहाँ पे लगती है, मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, जैसे आपकी डी फार्मा हो गई तो कहाँ पे है? डी फार्मा सर इधर से है, इधर साइड गेट की तरफ, हाँ। ऑफिस के जस्ट बगल में डी फार्मा की क्लास है। अच्छा, पहले वहाँ फर्स्ट ईयर वाले पढ़ते हैं, तो जब सर हमारी क्लास चलती है तो उनकी लैब चलती है, फिर जब हमारी लैब चलती है तो उनकी क्लास चलती है। ये क्या है, ये जो बना हुआ है? NIT है। अच्छा, NIT भी चलता है यहाँ पे? तो कब से स्टार्ट हो यहाँ पे पॉलिटेक्निक के अंदर NIT? पॉलिटेक्निक के अंदर नहीं, अलग अलग है। अच्छा, ये अलग हो गया? तो मतलब ये पॉलिटेक्निक इस साइड है? अच्छा, तो एक बार दिखा दो कौन कौन सी क्लास कहाँ पर है। अच्छा, अपने नाम बता दो एक बार। सर मेरा नाम प्रतीक्षा डंगवाल। सर मत बोलो मुझे, मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूँ मैं, सर नहीं, प्रतीक्षा डंगवाल। बाकी सृष्टि और बहन हो गया दोनों, वो भी डंगवाल, किरण, और आपका आकांक्षा। भाई आपका नाम क्या, सॉरी यार पूछा नहीं, ये श्रीनगर के हो? नहीं, देवप्रयाग के हो। ओ नाइस, कहाँ गए हम? ये सर डी फार्मा की क्लास है। अच्छा, यहाँ डी फार्मा लगता है। मेरे पापा ने मैकेनिकल करी थी यहाँ से, तो एक बार मैकेनिकल का भी दिखा देना, पहले डी फार्मा दिखा दो। ये फार्मेसी का ब्लॉक है? ये फार्मेसी है, ऊपर ITI और CS, नीचे फार्मेसी है, ऊपर CSIT, ऊपर CSIT, क्या बात है। तो ये पूरा मतलब सेक्शन है ऐसे करके? ये पूरा, और ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है। ये इलेक्ट्रॉनिक लिखा भी है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये देख सकते हैं यहाँ पे वर्कशॉप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सारी वर्कशॉप चलती है। कौन कौन से ब्रांच की चलती है वर्कशॉप? सभी ब्रांच की, इंजीनियरिंग के जितने ब्रांच हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग के सारे। अच्छा, ये पूरे के पूरे मैकेनिकल है? मैकेनिकल, और ये वाला पूरा का पूरा ऑडिटोरियम है यहाँ का। यहाँ से उस साइड जाके थोड़ा सा ऑफिस है, तो वहाँ जाना अभी ठीक नहीं है। तो ये है मैकेनिकल डिपार्टमेंट का फ्रंट साइड, यहीं कहीं पापा पढ़ते होंगे, यहीं कहीं पापा घूमते होंगे, और आई होप पापा को देख के यहाँ थोड़ी पुरानी यादें ताज़ी हुई होंगी। मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, कि उस टाइम पे पापा यहाँ पे घूमते होंगे, पता नहीं क्या करते होंगे। तो अगर पहले कोई पढ़ता था यहाँ पे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर कि हम भी पढ़ते थे और हमारा डिपार्टमेंट वाला था। ठीक है भाई, धन्यवाद, ओके, थैंक यू। हाँ वही सब, थैंक यू बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने सब कॉलेज दिखाया, थैंक यू, बाय। मैकेनिकल के हो आप? अरे वाह, सबके सब? हाँ। कौन सी क्लास चल रही थी आपकी अभी? अभी मैकेनिक्स और ED। ED, और कौन सा ईयर आपका? सेकंड ईयर। चलो फिर, थैंक यू, बाय।
तो अब हम जा रहे हैं श्रीनगर में जो बीटेक का कैंपस है, ये चौरास लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम यही रोड पकड़ लेंगे तो हम अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग चले जाएंगे, पर अगर हम नीचे चले जाएंगे, ये देखो लिखा भी ऊपर, पर अगर हम यहाँ चले जाएंगे तो ये है चौरास की सड़क, ये ब्रिज भी दिख रहा होगा आपको आगे, और पहाड़ क्या बढ़िया लग रहे हैं यार। कॉलेज का रास्ता कहाँ से होगा? तो अभी हमें कैंपस का रास्ता मिल ही नहीं रहा है, तो भैया ने बोला है कि हमारे पीछे पीछे आओ। हाँ, पीछे पीछे बोल रहे हो। क्या प्यारे लोग यार पहाड़ों में। अभी कॉलेज की तरफ जाते हुए हमें ये स्कूल दिखा है, रेनबो पब्लिक स्कूल, यहाँ से मेरा एक फ्रेंड भी पढ़ा है। काफी अच्छा बना हुआ है स्कूल भी, बिल्कुल ब्लू कलर में एकदम लग भी रहा है, मतलब रेनबो की तरह लग रहा है। इसी रेनबो स्कूल की एक ब्रांच श्रीनगर में भी है, वहाँ सिर्फ 5th तक है पर यहाँ पूरा 12th तक है। यूनिवर्सिटी हम पहुंच चुके हैं, पीछे यूनिवर्सिटी दिख रही होगी आपको, और इस साइड देख सकते हैं आप पूरा का पूरा श्रीकोट दिख रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब अभी हम उस साइड थे, पूरा वहां घूम रहे थे और अब हम इस साइड आ चुके हैं। तो ये रहा हमारा HNB चौरास, अब देखते हैं यहाँ एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती। ये पीछे आप देख रहे होंगे ऑडी है यहाँ की HNB की, अभी तो बंद हो रखी है, और यहाँ पे कोई स्टूडेंट भी नहीं दिख रहा मुझे जिसको पकड़ के मैं कुछ पूछ सकूं कि भाई क्या क्या है यहाँ पे, लेकिन ढूंढते हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा ही। अब पहले मैं इसको पढ़ रहा था स्वामी मैनहट्टन ऑडिटोरियम, पर बाद में जब मैंने ढंग से पढ़ा तो लिखा होता स्वामी मनमथन ऑडिटोरियम। एक चीज मैंने नोटिस करी, जब भी किसी कॉलेज जाओ तो सारे डिपार्टमेंट के नाम किसी रिनाउंड पर्सन के नाम पे ही रखे होते हैं। मेरे कॉलेज में भी जब मैं था तो वहाँ पे भी सारे ऐसे नाम थे, चाणक्य, वेदांता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा बीटेक वाला सेक्शन है, पूरा बीटेक डिपार्टमेंट है, ऊपर लिखा भी है कंप्यूटर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग CS वाले डिपार्टमेंट, और वो आगे ये हमारा लाइब्रेरी है, पुस्तकालय लिखा हुआ है वहाँ पे। जैसा पीछे देख सकते हो मैम है, सब निकल रहे हैं, तो अब छुट्टी हो रही है शायद, क्योंकि अब 3-4 बच्चों के तो सब घर निकल रहे होंगे। ये वाला सेक्शन भी पूरा का पूरा इंजीनियरिंग का है, वहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। बैठ रहो तुम, बैठ रहो, हम जा रहे हैं, खेलो खेलो। ये आ गई मास कॉम की बिल्डिंग, ये ऊपर लिख रखा है यहाँ पे जर्नलिज्म एंड मास कॉम। तो हम कम से कम 20-25 मिनट से चल रहे हैं, बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत ही बड़ा। अभी आपको मैंने वो ग्राउंड दिखाया होगा, जिला कैंपस नहीं, छोटा जिला है, मिनी जिला। हाँ वही वाला डायलॉग याद आ गया कि इसे कॉलेज की वजह से तो डिस्ट्रिक्ट घोषित कर देना चाहिए। अभी आपने देखा होगा मैंने वाला ग्राउंड दिखाया। अब यहाँ पे भी ग्राउंड है, और यहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि ये जो ग्राउंड था ये टूट गया था जब आपदा आई थी, तो जब टूट गया था तो उस टाइम पे यहाँ पे शिफ्ट हो गया था पूरा का पूरा ग्राउंड। और जो मेरे शंगी भी हैं वो भी इसी कॉलेज से पढ़े हैं, हॉर्टिकल्चर किया है उन्होंने इस कॉलेज से, तो मैंने उनको अभी कॉल किया था तो वो बता रहे थे कि बहुत बड़ा है भाई, घूमते घूमते। हाँ यहाँ से पढ़े शंगी भी, तभी हॉर्टिकल्चर से शंगी भी के पैर तो काफी मजबूत हो रहे होंगे। नहीं नहीं वो बोल रहे हम बाइकों से घूमते थे, बाइक यहाँ पे अंदर रिक्शा होनी चाहिए घूमने के लिए, इतना बड़ा है। दिल्ली का जू ना वो भी मतलब इससे छोटा है, जबकि बहुत बड़ा मानते हैं उसको भाई, बहुत बड़ा कॉलेज है, ये जिला है वही वाली। चलते चलते हर खराब हो गई, दिन में जो खाना खाया था वो पच गया पूरा का पूरा। ये यहाँ पे आप जिम भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया जिम है, और जिम है बढ़िया कोई बात नहीं, पर ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, ये देख रहा था भाई। मुझे तो एक चीज यूनिक लगी कि पहली बार देखा कि जिम को भवन लिखा हुआ कि जिमनेजियम भवन, पर वो छोड़ना, तो ये देख भाई फिर करें एक बार। नहीं नहीं कर लेता, कर लेंगे। अभी हम इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि हमें तुंगनाथी चढ़ाई करनी है, वरना हम कर देते, वरना कोई हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों को भेज सकते हो इस कॉलेज में पढ़ने के लिए, कितना बढ़िया कॉलेज है, हर चीज है यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं पूरी की पूरी नेट प्रैक्टिस चल रही है क्रिकेट की, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है बहुत ज्यादा तो आप इस कॉलेज में भेज सकते हो। इतना बड़ा स्टेडियम है तो बच्चे भी बहुत खेले, तो मतलब स्पोर्ट्स को ध्यान दिया जाता है, और देना भी चाहिए। एक ब्लॉगिंग का सेक्शन बनना चाहिए यार यहाँ। अब यहाँ पे आ गया टूरिज्म सेक्शन, टूरिज्म में MBA होता है, यहाँ से लिखा हुआ भी है सेंटर फॉर माउंटेन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट्स। स्टडीज था, स्टूडेंट बोल गया है। अच्छा, असल में ऐसी गलती नहीं है, बहुत बड़ा कैंपस है ना, तो बकवास है। मेरे को समझ में आ रहा है, मैं फंबल मार रहा हूँ इसलिए मैं। तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर है, वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो दोनों आमने सामने है। ये जो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था इसके पीछे आ गया ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, ये लिखा है देखो विज्ञान विभाग, और यहीं पे ये योगा का डिपार्टमेंट भी है, योगिक साइंस एंड वेरियस सेंटर। अब यहाँ पे फार्मेसी का डिपार्टमेंट भी दिख गया हमें, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। अब बस ये एंड है, इसके बाद जान नहीं बच रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम थक गए हैं, पर हो गया यार अब।
तो अभी हम जब बाहर आ रहे थे भाई लोग मिले थे मेरे को जो यही स्टूडेंट है कॉलेज के। कौन कौन सी ब्रांच के भाई? सीएस ब्रांच। सीएस के? अच्छा, अभी तुम्हारे सीएस ब्रांच में गए थे, नाम बता भाई एक बार। मोहम्मद अनीस एंड गौरव। गौरव मतलब मजा तो आया भाई तुम्हारे, बहुत बड़ा सही है जो आता ही बोलता। तुम्हें बाइक है वैसे? नहीं भाई, कैसे करते हो तुम लोग यार ट्रैवल यहाँ इतना? हमारे दोस्तों के पास में है ना। अच्छा, हो जाता है मतलब? वैसे भी एक सेम रुका था फिर लॉकडाउन, तो तब से लॉकडाउन हो गया, अभी लेने वाले हैं। तो अभी थर्ड ईयर में ना लोग? हाँ, थर्ड ईयर। और भाई लोग ये बता रहे थे कि कुछ टाइम पहले ही रुद्रनाथ होके भी है, तो यहाँ इस कॉलेज में आने का ये तो फायदा है कि तूनाथ भी पास है और केदारनाथ भी ज्यादा दूर नहीं, पास ही है यहाँ से, तो सब यहाँ से सब पास ही लगता है। हाँ, ये तो है फायदा यहाँ पे। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। तो अभी यही चौरास कैंपस के बाहर एक समोसे वाले भैया बहुत फेमस है, तो इसलिए मैंने सोचा समोसे खा लेते, भूख भी बहुत लग रही है। बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रही है अभी यहाँ पे, घुसने की भी जगह नहीं है। फिर हो गया समोसे तेरा? अरे मैं चार समोसे दे दीजिए, चार हो जाएंगे चार। तो ये समोसे मिल गए मेरे को और ये चटनी भी। अरे तो छोटे वाले तो हैं। हाँ, और भाई इतनी भीड़ हो रही थी ना, इतनी भीड़, अल्टीमेटली भीड़ हो रही है। फेमस होगा फिर, तेरे जिस दोस्त ने बताया ना कि फेमस है, सही बोल रहा था उसका मतलब। सही में जब मैं एंटर कर रहा था शॉप पे तो उन भैया की प्लेट पे ना मजा आ गया बहुत ही। उस प्लेट पे कम से कम रखे होंगे तो 30 समोसे रखे होंगे, और जब मैं शॉप के अंदर पहुंचा, उनके टेबल तक पहुंचा, 7-8 समोसे बचे हुए थे उसमें। ये समोसे का साइज है, सच में कुछ तो बात है। अच्छा मैं 2-2 ला रखा हूँ, इनके ना जो बाहर की लेयर है ना, इसमें भी कुछ नमक लगा रखा है ना, चाट मसाला टाइप का लगा रखा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो अभी हम रूम पे आ गए थे अपने, और मैं एडिटिंग कर रहा था अपनी, और डिनर मंगा दिया हमने, ये पनीर की सब्जी और रोटी। रोटी थोड़ी पापड़ जैसी हो चुकी है और हम थोड़ा लेट खा रहे हैं क्योंकि इसकी भी शिफ्ट चल रही थी और मैं भी काम कर रहा था। और अभी हम जो नूडल्स खा रहे थे वो खा रहे थे बिग, क्या था उसका नाम? बिग बन। बिग बंस करके था, बहुत ही अच्छा खाना था वहाँ का, मतलब वहाँ पे जंक फूड ही मिलता है, तो बहुत ही अच्छा था, मजा आ गया था बिल्कुल। तो अगर आप कभी भी श्रीनगर श्रीकोट आओ तो जाना जरूर वहाँ पे। ये जो हमारा होटल है उसके अपोजिट ही है वो, तो यहाँ पे रुकना वहाँ खाना, ऐसा कर लेना। वैसे यहाँ का भी खाना अच्छा है। और जो गुप्ता जी के समोसे थे वो तो अल्टीमेट ही थे, 5 रुपए के, मात्र 5 रुपए के समोसा था वो। और मैंने सोचा था कि मैं मार्केट का ब्लॉग भी बनाऊंगा, पर फिर मेरे को लगा कि अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। मेन मेरा तूनाथ में यही है, जब तूनाथ जाएंगे अच्छे से दर्शन करेंगे। और एक अपडेट और है, कल ही तूनाथ ही चढ़ाई कर रहे हैं, पहले हमारा प्लान था कि परसों करेंगे पर हम कल ही कर रहे हैं, तो इसलिए फटाफट ब्लॉग एडिट करना पड़ेगा। आज कोई रेस्ट नहीं है, कल तो मैं थोड़ा रेस्ट ले लिया था। अगर आपको अभी तक का ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप बहुत बहुत धन्यवाद, नीचे एक लाइक का बटन दिया है लाइक कर देना, लाल बटन भी दिया है सब्सक्राइब का उसको भी दबा देना, और मेरे यूट्यूब परिवार के मेंबर बन जाना। और अगर बंडी अच्छा लगा ब्लॉग तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। जिनको ढूंढ रहे थे मिल गए, मिल गए। वो तो ठीक है ना। कैसे हो भाई? देखिए जी, वेलकम वेलकम वेलकम। श्रीयस भाई एंट्री मार दी है और मेरा फोन नहीं उठा रहे थे यार भाई तुम लोग। अगस्त में के यूट्यूबर हैं। अब मैंने बोला एटीट्यूड आ गया भाई सब, मेरा फोन नहीं उठा रहा कोई।